ओके हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कनिका और आप देख रहे हैं मैथ्स ऑफ मिवान। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो उसको हमने प्रूव किया था, मैंने पूरी मेथड बताई थी कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। तो ये अगर आपको देखना है वीडियो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप आई बटन क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, दैट इज साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अगेन हम वहीं जाते हैं कि हमारे लिए जो बेसिक की फैमिलियर आइडेंटिटीज़ होती हैं वो या तो स्क्वायर फॉर्म में है या क्यूब फॉर्म में। तो सी हम इसको क्या करते हैं, लेट्स टेक दिस। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होके ये 4 हो जाएगा प्लस कॉस टू द कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, राइट। ओके ना, टेक एक, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लूँ टू मेक इट सिंपल और कॉस स्क्वायर थीटा को मान लीजिए मैंने बी मान लिया, तो इस हिसाब से ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड ये हमारी आइडेंटिटी हुई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इन ऑर्डर टू मेक दिस सिंपल, अगर हमें ये चाहिए 2ab, दिस इज काइंड ऑफ 2ab, राइट। तो हम इसमें क्या ऐड कर दें कि ये एक सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें मैं क्या ऐड कर देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। मैं इसमें अगर 2ab यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2ab, दिस इज ए दिस इज बी, अगर ये ऐड कर दूँ तो, पर मैं अपने मन से तो ऐड कर नहीं सकती मैथ्स में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो मुझे इक्वली सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की क्या बन गई है, आइडेंटिटी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा बन गया। बचा क्या, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन एज वी नो कि एक आइडेंटिटी होती है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो मैं इसकी जगह पर 1 पुट कर सकती हूँ बाय राइटिंग दैट अबाउट दैट आइडेंटिटी, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। है ना, कितना आसान, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ होगा लेकिन इट इज़ रियली वेरी ईजी। तो इस तरीके के सवाल आप इस अप्रोच से बहुत इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। थैंक यू।